च्युइंग गम से सिगरेट की आदत कैसे छोड़े, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सिगरेट और तंबाकू की आदत काफी लोगों को है। सभी को पता है कि मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर होने की पूरी संभावना है, और सभी भी लोगों को आदत लग गई तो वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि आदत से मजबूत और आदत से मजबूर लोग हो जाते हैं। बिना दवाई का, बिना कुछ सहारे सिगरेट छोड़ना सिर्फ 5% लोगों में संभव है, ऐसी स्टडी बताती है कि बिना कुछ दवाई से 100 में से 100 लोग सोचते कि हमको सिगरेट छोड़ना है तो 5 लोग छोड़ पाते हैं। मगर दवाई का इस्तेमाल करते हैं और च्युइंग गम का इस्तेमाल करते हैं तो 50 से 60% छोड़ने की संभावना है कि सिगरेट की आदत छूट सकती है। और सिर्फ च्युइंग गम से छोड़ सकते हैं लोग, मतलब च्युइंग गम का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि 25 से 30% लोग सिगरेट की आदत छोड़ सकते हैं। मतलब बिना दवाई का 5%, दवाइयां और च्युइंग गम 50 से 60%, सिर्फ च्युइंग गम 25 से 30%। दवाइयों में बुप्रोपियोन, वेरेनिक्लिन ये दवाइयां काम में आती है, उसके साथ साथ फ्लॉक्सेटिन, क्लोमिप्रामिन इसका भी इस्तेमाल मैं करता हूँ, जिससे सिगरेट या तंबाकू छोड़ने में सहायता होती है। हम यहाँ बात करेंगे च्युइंग गम की। तो च्युइंग गम में निकोटीन होता है और निकोटीन की वो टैबलेट्स रहती है। निकोटीन का मतलब निकोटीन टैबलेट्स का इस्तेमाल करना, उसका लॉजिक ये है कि देखिए कि सिगरेट जब हम पीते हैं या कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट में निकोटीन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी अंदर जाता है, कुछ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस भी अंदर जाते हैं जिससे कैंसर होने की संभावना है। मतलब जो नहीं चाहिए वो काफी सारा अंदर निकोटीन के साथ में जाते रहता है। जब हम निकोटीन की टैबलेट देते हैं तो हम सिर्फ निकोटीन ही दे रहे हैं, बाकी उसके साथ साथ जाने वाली जो बाकी सब्सटेंसेस है वो हम नहीं दे रहे उसके साथ। तो इसका मतलब यह है कि निकोटीन देने से उसका प्रभाव जो है, मतलब या दुष्प्रभाव जो है या दुष्परिणाम जो है सिगरेट का, वो कम होता है, इसलिए च्युइंग गम देते हैं और हम सिर्फ निकोटीन दे रहे, प्योर निकोटीन उसमें। अभी च्युइंग गम का इस्तेमाल कैसे करना, तो च्युइंग गम का इस्तेमाल करने के स्टेप 1 ऐसे है कि आप स्टेप 1 में आप वो च्युइंग गम जो है, निकोटीन की टैबलेट जो है, मुंह में रखते हैं और थोड़े से उसको चबाते हैं ताकि थोड़ा निकोटीन बाहर निकलेगा और उसकी टेस्ट आपको आ जाएगी। वो टेस्ट आने के बाद में देखो निकोटीन जो है वो पूरा सलाइवा में वो पूरा घुल मिल जाता है और मुंह का जो अंदर का हिस्सा रहता है वहां से एब्सॉर्ब हो जाता है। तो सलाइवा जो है, थूक जो है, वो अपने को निगलने का नहीं है, क्योंकि निगल लिया थूक तो उसका परिणाम कुछ भी होगा नहीं, वो पूरा परिणाम निकल जाता है। थूक निगलने का नहीं है, वहां थूक को वहीं के वहीं मुंह में एब्सॉर्ब करने का है, वहां से मतलब मुंह में वो निकोटीन एब्सॉर्ब हो जाएगा। और बहुत ज्यादा थूक यदि आती है तो थोड़ा थूक वैसे ही रखना है मुंह में और बाद में वो थूक देना है बाहर, अंदर नहीं निकलने का है। तो पहली स्टेप है कि थोड़ा सा चबाने का है, थोड़ा निकोटीन आ जाएगा और फिर बाद में उसको क्या करना है, उसको गाल और ये जो मसूड़ है इसके बीच उसको रख देने का है वो गोली को, ताकि पहले जो बाहर आया हुआ निकोटीन है उसका प्रभाव पूरा खत्म होने देने का है। वहां जब उसकी टेस्ट पूरी निकल जाती है फिर तीसरी स्टेप शुरू होती है। पहली स्टेप कौन सा है, चबाना, दूसरी स्टेप यहाँ रखना, तीसरी स्टेप जो है कि फिर थोड़ा सा चबाना, और थोड़ा चबाने के बाद में उसको फिर जब निकोटीन बाहर आ जाएगा तो फिर उसका उसको थूक में घुल मिल देना ताकि उसका प्रभाव फिर शुरू हो जाएगा। ऐसा करते रहना है। और फिर चौथी स्टेप जो है कि वो बाएं बाजू, डावे बाजू, ऐसा बाएं दाहिने बाजू उसको घुमाने का है, वो गोली को या च्युइंग गम को घुमाने का इधर से उधर, ताकि वहीं के वहीं वो एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो खत्म होने तक, मतलब उसका पूरा प्रभाव जाने तक, उसकी पूरी टेस्ट जाने तक उसको धीरे 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 चबाते 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 जाने का है, निगलने का नहीं। क्या होता है कि निगल लिया तो एक तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि पेट में जो एसिड रहता है उसको वो उसका प्रभाव पूरा कम कर देगा निकोटीन का। और दूसरा यह है कि निकोटीन से कैस्टाइटिस होता है, निकोटीन से पर से, और उससे भी फिर नौशिया जैसा होता है ना, ऐसा जी मचलाता है और एसिडिटी उससे हो सकती है, फिर उल्टी जैसा फीलिंग भी आ सकता है। ये हमको देखना है कि ये निकोटीन की ये च्युइंग गम जो है वो 15 मिनट के पहले कोई खाना खाने का नहीं है, 15 मिनट बाद में खाना खाने का नहीं है कुछ, मतलब 15-15 मिनट के अंदर से कुछ भी खाने का नहीं है ये जब हम च्युइंग गम लेते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जब निकोटीन या सिगरेट स्मोकिंग की इच्छा होती है या तंबाकू खाने की इच्छा होती है तो ये च्युइंग गम लेना, कुछ स्टडीज ऐसी बोलती है कि आप एक रेगुलर इंटरवल से च्युइंग गम लेते जाओ, और रेगुलर इंटरवल से आप जब लेंगे च्युइंग गम तो उसका ज्यादा फायदा होता है। अब डोज कैसे कम करना, तो डोज धीरे 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 आपको कम करना पड़ता है। जैसे समझो आप 5 गोली या 6 गोली रोज की च्युइंग गम की खा रहे हैं तो उसकी मात्रा धीरे 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 आपको अपने आप ही कम करना है। तो ये निकोटीन का मतलब च्युइंग गम का इस्तेमाल करना,
डेफिनेटली इससे बहुत फायदा होता है। देखो कोई लोग बोलते हैं कि ई सिगरेट लेंगे, ई सिगरेट का भी उतना ही बुरा असर है जितना ये सिगरेट का। ऐसा कुछ नहीं कि ई सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट लिया तो उसका असर कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास में च्यूइंग गम्स अवेलेबल है, हमारे पास में मेडिसिन अवेलेबल है, तो हमने च्यूइंग गम का मेडिसिन का इस्तेमाल करके वापर करके हमने निकोटीन या तंबाकू की जो आदत है वो छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम इसके इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं नहीं हम वैसे ही छोड़ेंगे, हमारे मन से छोड़ेंगे, तो 100 में से 5% लोग ही छोड़ सकते। तो इसका फायदा लो, च्यूइंग गम का फायदा लो, मेडिसिन का फायदा लो और अपनी आदत जो है सिगरेट स्मोकिंग की या तंबाकू सेवन की वो आदत से छुटकारा पाइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।